हेलो एवरीवन, मैं गिरीश चंद अपने ऑनलाइन आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्लावर्स को कैसे हम कलर करें। दोस्तों, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब ड्राइंग करने बैठते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है कि वो कलर कैसे करें। तो आपको कलर करने के हम कुछ टिप्स देते हैं। उम्मीद है इन टिप्स से आपको कलर भरने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल फ्लावर से। ये हमने फ्लावर्स ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसमें कलर करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कलर की पेटल की कॉर्नर से। हमने पहले कॉर्नर को डिज़ाइन करना है, कलर फिल करना है। कलर्स को करते समय ध्यान रखना कि कलर में जो हमारी शेप दी होती है उससे ज़्यादा बाहर ना निकलें। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि ब्रश के टिप को यूज़ करें। आप अच्छा सा ब्रश लें पॉइंटेड, और उसको आपने साइड की जो कॉर्नर की लाइन है उनसे स्टार्ट करना है, इस तरह से। फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज में हमने फ्लैट कलर करने हैं। देन सेकंड, जब हम स्टेप करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे कि हमने थोड़ा सा लाइट एंड शेड को भी, जो पोर्शन हमने शेड का दिखाना है उसमें हम थोड़ा सा डार्क शेड बना के, या हमारे पास अगर अवेलेबल है डार्क शेड उसका तो हम डार्क कलर करेंगे, इस तरह से। नीचे हमने कुछ छोटे फ्लावर बनाए हैं। इनको भी हम इस तरह से ही कलर करेंगे। दोस्तों, कलर में एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है। हमने जब इसमें पानी मिलाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे पानी और कलर का रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें ज़्यादा अगर पानी हम इसमें मिला देंगे तो कलर बहने लगेगा। अभी देखेंगे आप, हम कलर को उठाते हैं तो कलर बहता नहीं है। तो पानी का रेशो इतना रखें कि कलर हमारी जो शेप है जिसमें हम कर रहे हैं उससे बाहर ना बहे और कलर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। अब हम लीव्स पे फर्स्ट स्टेज करेंगे। अब हम दोस्तों सेकंड स्टेज पे करेंगे अपना काम।
अब हम थोड़ा डिटेल करने के लिए थोड़ा बारीक ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा
दोस्तों देखिए, हमने एक सिंपल तरीके से अपने इस फ्लावर को कलर किया है और उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे से वीडियोस बना के भेज सकें। थैंक यू वेरी मच।